स्टेडियम के पास जो सड़क बनी हुई है, बरसात का थोड़ी सी बरसात होने पर इधर पानी जमा है। इसका कारण है कि नाला जो है इसकी सफाई नहीं होती है और ये ओवरफ्लोर होकर पीछे सरेसिया से इधर सरेसिया की तरफ से पानी आता है और इस नाले में ओवरफ्लो होकर सड़क के ऊपर आता है। नगर परिषद ने ये नाला जो है आगे तक कलेक्टेड से आगे तक बना दिया है, लेकिन इसकी सफाई नहीं होने के कारण और जगह जगह इसके नाले में कट भी लगाए हुए हैं जो सड़क पर पानी आ रहा है। सड़क हालांकि नीची है लेकिन नगर परिषद के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये देखो बांध यहाँ से गुजर रहे हैं और वो पानी के बीच में से उनको जाना पड़ता है और उन्हें कितनी परेशानी। इस सड़क के ऊपर खड्डे भी हैं लेकिन पानी खड़ा होने के कारण इन खड्डों का भी पता नहीं चलता है। लोग यहाँ गिर भी रहे हैं, चोटिल भी हो रहे हैं, लेकिन नगर परिषद का इस ओर कभी भी ध्यान नहीं जाता है। जब भी बरसात होती है तो यहाँ पर ये पानी इकट्ठा होता है। ये आज की बात नहीं है, काफ़ी लंबे समय से समस्या बनी हुई है और लेकिन नगर परिषद का इस ओर ध्यान नहीं जाता है और नाला जो है इसकी सफाई भी नहीं हो रही है। जो नाले के अंदर भी गंदगी पड़ी है, भरी पड़ी है, जहाँ सफाई कर्मचारी भी दिखे थे लेकिन वो भी देखकर यहाँ से मुंह मोड़ कर चले गए हैं। उनके द्वारा भी यहाँ कोई सफाई नहीं की गई है, ना कोई ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि नगर परिषद फेल हो चुकी है, इनका सिस्टम ही फेल है। नाला बनाया है, हालांकि ये नाला आगे कलेक्टेड तक बन चुका है, फिर भी इसकी निकासी नहीं है और पानी जमा होता है, ओवरफ्लो होकर सड़क के ऊपर आ रहा है। नाले की इसकी कोई सफाई नहीं की गई। इनकम टैक्स ऑफिस के पास में नाला बीच में मिट्टी डालकर बंद किया हुआ है। इस संबंध में नगर परिषद से कई बार मैंने फोन से भी अवगत करवाया है कि इस नाले को कम से कम खुलवाइए ताकि पानी आगे जो है इसकी निकासी हो सके। इसका यहाँ जमा होने का कारण यही है, ओवरफ्लो पानी होने का कारण यही है कि नगर परिषद इनकम टैक्स ऑफिस के पास मिट्टी से बंद किया हुआ, पहले का बहुत पहले किया बंद, उसको खुलवा नहीं रही है बार बार कहने के बावजूद भी। अब देखते हैं खबर का इन पर असर होता है या नहीं। मैं कैमरामैन चेतन प्रकाश के साथ गुरुदेव सिंह सैनी, कलम, हनुमानगढ़।